ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 4 जून को है और इस दिन धार्मिक कार्य, पूजा अनुष्ठान, व्रत करना और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कुछ स्थानों पर वट सावित्री व्रत भी ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही रखा जाता है। महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है और बरगद के पेड़ की पूजा करके प्रार्थना भी करती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करने से मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि इसमें ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ऐसा कौन सा काम है जिसको कर लेने से शनि का प्रकोप आपसे खत्म हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तब भी आपको समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व क्या क्या है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व आपको बता दें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही इस दिन अगर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो इसका एक विशेष महत्व होता है। और मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है। रात्रि में चंद्रमा को दूध से अर्ध्य देने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और हर प्रकार के रोगों से राहत भी मिलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा विधि, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करना भी शुभ माना गया है। वहीं शाम के पहर में माँ लक्ष्मी और रात को चंद्रदेव की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पीले फूल और फल, पीले चावल के साथ विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इसके बाद शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करके केसर की खीर को का जो है भोग लगाना चाहिए। रात को इस चंद्रदेव को दूध से अर्ध देना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। इस दिन महिलाएं बरहर के पेड़ की पूजा भी करती है और उसके चारों ओर परिक्रमा करने करके कलावा भी बांधती है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र का दान करना उचित माना जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन अगर आप काले कौवे को या फिर किसी भी कौवे को अगर आप रोटी के साथ गुड़ ज़रूर खिलाएं। अगर गुड़ आपके पास अवेलेबल नहीं हो, अगर आपके पास उपस्थित नहीं हो, तो आप काला तिल और साथ में रोटी ये कौवे को ज़रूर खिलाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके घर पे जो किसी भी तरह का अगर कष्ट है तो वह कष्ट खत्म होने लग जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचना शुरू हो जाएगा, आपके हर काम बनने लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।